असाइनमेंट से भी देते मोवा। अच्छा अपने लेसन नंबर 5 धमक धमक आता हाथी। धमक धमक यानी जोशपूर्वक हाथी चालतो हो तरह धमक धमक अवाज आए। प्रस्तुत कविता प्रसिद्ध रचनाकार श्री प्रयाग शुक्ल द्वारा रचित की गई है। उसका जन्म ईस्वी सन 1940 में हुआ, कोलकाता में हुआ। साहित्य की विविध विधियों और सशक्त रूप से लेखनी चलाए हैं। बच्चों के लिए उसने बहुत उल्लेखनीय रचना लिखी है। उसके 9 काव्य संग्रह, 5 लघु कथा संग्रह, 3 उपन्यास, 1 कला पुस्तक सत्यजीत रे पर एक पुस्तक प्रकाशित है। इसके अतिरिक्त प्रतिका का संपादन भी किया गया है। धम्मक धम्मक आता हाथी, धम्मक धम्मक जाता हाथी। हाथी छे आवे छे, केम आवे छे, धम धम आवे छे अने जाए पण एवी ज रीते छे। अपनी सूंड उठाता हाथी, पोतानी सूंड ऊंची करे छे। अपनी सूंड गिराता हाथी, पछी पोतानी सूंड छे ई शू करे छे, नीची करे छे। अपनी सूंड हिलाता हाथी, हाथी पोतानी सूंड हलावे छे। अपनी सूंड घुमाता हाथी, हाथी छे ई पोतानी सूंड घुमावे छे। धम्मक धम्मक आता हाथी, धम्मक धम्मक जाता हाथी। हाथी छे ई धम धम करतो आवे छे अने धम धम करतो जाय छे। जब पानी में जाता हाथी, जारे पानी में जाय छे हाथी। भर भर सूंड नहाता हाथी, जारे पानी में जाय छे हाथी त्यारे ते भर भर सूंड नहाता हाथी। सूंड भरी भरी अने नाय छे। कितने केले खाता हाथी, हाथी छे केटला केळा खाई जाय छे। यह तो नहीं बताता हाथी, ए हाथी छे केटला बधा केळा खाई जाय छे એ તે બતાવતો નથી આપણને કે હું કેટલા કેળા ખાઉં છું। ધમક ધમક આતા હાથી, ધમક ધમક જાતા હાથી। હાથી છે એ ધમ ધમ કરતો આવે છે અને ધમ ધમ કરતો જાય છે। ધમક ધમક આતા હાથી, ધમક ધમક જાતા હાથી। અપની સૂંડ ઉઠાતા હાથી, अपनी सूंड उठाता हाथी। अपनी सूंड गिराता हाथी, अपनी सूंड गिराता हाथी। अपनी सूंड हिलाता हाथी, अपनी सूंड घुमाता हाथी। धम्मक धम्मक आता हाथी, धम्मक धम्मक जाता हाथी। जब पानी में जाता हाथी, भर भर सूंड नहाता हाथी। जब पानी में जाता हाथी, भर भर सूंड नहाता हाथी। कितने केले खाता हाथी, यह तो नहीं बताता हाथी। कितने केले खाता हाथी, यह तो नहीं बताता हाथी। धम्मक धम्मक आता हाथी, धम्मक धम्मक जाता हाथी। धम्मक धम्मक आता हाथी, धम्मक धम्मक जाता हाथी।